मुल्क के दीगर शहरों की तरह चित्राल में भी ईद उल फितर जोशो खरोश से मनाई गई। ईदगाह और मसाजिद में ईद के इज्तमात मुनक्किद किए गए। गुलहमाद फारूकी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह चित्राल के मुख्तलिफ मसाजिद और ईदगाहों में ईद उल फितर का नमाज नहायत मजहबी जोश और जज्बे के साथ अदा की गई। नमाज ईद के बाद लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों जाकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। ताहम कमर तोड़ महंगाई की वजह से आवाम नहायत परेशान है। अक्सर मुतवसित तबके के लोगों ने अपने बच्चों के लिए इस ईद पर नए कपड़े और जूते नहीं खरीद सके। ताहम बाज ताजर पेशा और दुकानदार ऐसे भी है जो ईद के मौके पर यतीम और बेसहारा बच्चों के साथ भरपूर तआवुन करते हैं। नए जूते कहाँ से ले लेंगे, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ गए, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गए और लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि बच्चों को खुश करने के लिए। जिली सीरत कॉन्फ्रेंस के सदर के मुताबिक ईद उल फितर का फलसफा यह है कि हम एक दूसरे के साथ हमदर्दी करें। ईद उल फितर का जो पैगाम है वो इसार का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, अमन का पैगाम है। हमें चाहिए कि हम अपने आसपास के पड़ोस में जो गरीब फुकरा मसाकीन रहते हैं उनको भी अपने खुशियों में शरीक करें। ईद के मौके पर ज्यादातर बच्चे नए कपड़े और नए जूते पहनकर खुशी मनाते हैं, मगर मौजूदा महंगाई के दौर में अक्सर लोग अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते खरीदने की फरमाइश भी पूरा न कर सके। ईद उल फितर का फलसफा यह है कि इसमें हम अपने आस पास पड़ोस में जो हमारे यतीम बिवाई असफेद पोश लोग रहते हैं उनकी हमदर्दी करें और अपने बच्चों के लिए जिस तरह नए कपड़े जूते खरीदते हैं ताकि हमें चाहिए कि उनके लिए भी नए कपड़े जूते खरीद सके ताकि वो भी हमारी खुशियों में शरीक हो सके। अहमदाबाद की सच न्यूज चित्राल। सनावा में महंगाई